ये जो षड्यंत्र है जी, आपके द्वारा कांग्रेस के द्वारा रचा गया, तो क्या चुनाव में हार रहे हैं और कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? तो हम जो है उस नमूने को उनके मंच पे हम भेज दे रहे हैं, उसका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए, वो जो है आत्तन अपराधी है। अगर ये बात उठा रहे हैं तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं। क्या आप ट्विटर चेक करके नहीं आए थे सुबह में? आए थे। ये देखिए, तो ये कौन मंच शेयर कर रहा है? ये कौन बैठा हुआ? हम बैठे हुए हैं। आप पलट करके मनोज तिवारी से फोटो दिखाए थे उनको? फोटो दिखाए थे? क्या बोले मनोज तिवारी? नहीं नहीं, ये सवाल आपने उनसे पलट के पूछा कि ये कौन है जो आपके मंच पे बैठा हुआ है? नहीं नहीं, निंदा करते हैं, एक मिनट, लेकिन 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 अच्छा, तो ये व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, भाजपा का कार्य, उनके साथ चुनाव कैंपेन कर रहा है, इसमें लेकिन किंतु है, देश में उनका है, 10 साल से वो सांसद हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखना उनका काम है। गृह मंत्री तो उन्हीं के पार्टी के हैं ना, तो क्या इस पे जो है जांच कराना वो मेरी जिम्मेवारी है कि उनकी जिम्मेवारी है? सरकार वो चला रहे हैं कि हम चला रहे हैं? हम गृह मंत्री हैं कि वो गृह मंत्री है? ये क्या लेकिन परंतु है? सीधा सवाल है, उनका समर्थक है, उनके पक्ष में वोट मांग रहा है, उनके मंच पे बैठा हुआ है, उनकी रैलियों में जा रहा है। असल बात जानते हैं क्या है? उनकी रैली में जाने वाले जो आम लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो घबरा गए हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ, कल से जब ये वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी रैलियों में आए हुए लोग कह रहे हैं, आम लोग, कि उनको वोट नहीं देंगे, तभी से ये बौखलाहट बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हम आपको कहा कि हमारा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ये नकली वीडियो व्हाट्सएप पे घुमाना शुरू कर दिए। जब आम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इनकी बातों से जब लोग नहीं भड़के, लोग जब भारी जन समर्थन हमको देने लगे, आम लोगों में बढ़ता प्यार देख करके ये घबरा गए। ये जिस गली में घुस रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहा है लोग, जहां जाते हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, और इनको गली में कैंपेन नहीं करने देते हैं। तब उन्होंने ये साजिशन, ये बौखलाहट में कि अब हमारे कैंपेन को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। षड्यंत्र अगर हम कर रहे हैं तो सरकार वो चला रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है ना, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं, यहाँ मंच पे बैठा हुआ है क्या कोई? यहाँ हमारे मंच पे ये लॉयर हैं, हमारे इलेक्शन एजेंट हैं, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे, और ये लॉयर हैं। कोई है मंच पे बैठा हुआ जो हिस्ट्री सीटर हो, अपराधी हो? इनमें से किसी को आप देखे हैं नमूना गिरी करके जो है वीडियो बनाए वायरल होने के लिए? आप लोग किस नहीं, ये आरोप वही लगाते हैं ना भाजपा वाले, तो मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, तो क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बियर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, आज जनता जानते हैं उनसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के चमक चमक चम, जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको, नाली देख के भागे लगलन चमक चमक चम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं, सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? सबूत अगर है आपके पास, नकली वीडियो के अलावे अगर आपके पास सबूत है, 18 महीने से आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखा है, दो दो मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, और हम कोई आज की घटना ये बोल रहे हैं? 8 साल हो गए, 8 साल, जैसे उनका गोद लिया हुआ गांव गोदी से नीचे नहीं उतर पा रहा है, नकली वीडियो से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नया नेता पुराना नेता से मतलब नहीं है, मतलब है कानून व्यवस्था से, मतलब है संविधान से, मतलब है इस देश में चुनाव होता है, मतलब है चुनाव आयोग से, मतलब है चुनाव की प्रक्रिया से, मतलब है पारदर्शिता से। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर अगर उनको हमसे कोई सवाल पूछना है, तो हमने उनको आमंत्रित किया कि इसी तरह से आप सब लोगों को बुला लेते हैं,
और प्रेस के सामने हम दोनों डिबेट कर लेते हैं। मनोज तिवारी को अपनी हार तो नहीं दिख रही है? अब हार तो जनता दिखाएगी, वो हम नहीं दिखाएंगे, जनता दिखाएगी 24 लाख लोग। और हार नहीं दिख रही है तो एक बात बताइए, हम तो नहीं हमला करवा रहे हैं उनके काफिले पर, हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से। देश भर से लोगों ने चिंता व्यक्त की, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, देखिए इनका आखिरी हथियार है, ये इनका आखिरी हथियार है तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करेंगे, आम लोगों को गुमराह करेंगे, ताकि चुनाव में जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो हम नहीं दिखाएंगे, जनता दिखाएगी 24 लाख लोग। और हार नहीं दिख रही है तो एक बात बताइए, हम तो नहीं हमला करवा रहे हैं उनके काफिले पर, हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से। देश भर से लोगों ने चिंता व्यक्त की, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, देखिए इनका आखिरी हथियार है, ये इनका आखिरी हथियार है तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करेंगे, आम लोगों को गुमराह करेंगे, ताकि चुनाव में जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के मानने वाले, देखिए गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि इनका आखिरी हथकंडा यही है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भटकाएं। ध्यान नहीं भटकने देना है, सभी कार्यकर्ताओं और सभी समर्थकों से अपील है कि आपको मेरी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, हमारे पास धन दौलत नहीं है, मनोज तिवारी जी सबसे अमीर सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे अंदर हौसला है, कायरता नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएं। और महिला सुरक्षा आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, महिला सुरक्षा पे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप पूछ लीजिए। वन प्लीज। हाँ जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मनोज तिवारी जी ने गांव गोद लिए चौहान पट्टी, चौहान बस्ती, चौहान पट्टी और सभापुर पाट के पास, और बुराड़ी में उन्होंने गांव गोद लिया कादीपुर। उस गांव की हालत यह है कि कादीपुर गांव में डीडीए एनओसी नहीं देने के चलते, डीडीए के द्वारा एनओसी जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं छोड़ दीजिए ना, इसकी जरूरत नहीं, वो खोज लेंगे, वो स्मार्ट आदमी है, ट्विटर चलाते हैं, वो तो ऐसे ही पूछ लिए पूछने के लिए, कोई बात नहीं है, कुछ पूछना था उनको मालूम है सब चीज़। तो वहाँ पे जो है डीडीए जब एनओसी नहीं दे रही है, लोगों के घर बन करके तैयार हैं और जो है उनको बिजली नहीं मिलती, और हर जगह भयंकर जो है जल भराव की समस्या है, नल में पानी नहीं आता है, लोग फोन करते रहते हैं, टैंकर नहीं आता है, लेकिन नाली से पानी बहते रहता है। यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जो सवाल हम उनका उठा रहे हैं आपके सामने, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने ही मुझे बताया है। यहाँ पर जब हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, हर क्षेत्र की समस्याएं मंगाई, तो लोगों ने हमको बताया, और हमको तो ये मालूम नहीं था कि उन्होंने कोई गाँव गोद भी लिया है, वो भी 2014 में, 10 साल हो गए, ये भी मुझे लोगों ने बताया है। तो ये जो समस्या उस गांव की है या उस वार्ड की है, कमोबेश ये पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की समस्या है, हर जगह आपको जाम से जूझना पड़ेगा, हर जगह जो है रोड सड़कों के चौड़ीकरण का सवाल है, हर जगह जो है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर जगह जो है जलभराव की स्थिति है, हर जगह जो है आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी, तो ये मुद्दे हर जगह देखने को मिलते हैं। इतना बड़ा हमला हुआ आपके ऊपर, तो केजरीवाल जी से या राहुल गांधी जी से कोई बातचीत हुई क्या? आज उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था? नहीं नहीं, हमला हुआ है जो है, एक जो है आपराधिक घटना हुई है, तो पुलिस से बात करेंगे ना पहले, पुलिस पुलिस को कम्प्लेन हुई होगी। तो वोट दे देते ना मेरे खिलाफ, लेकिन वो तो वोटर भी नहीं है ना, वो तो वोटर भी नहीं है यहाँ के, वो तो कहीं और के रहने वाले हैं, तो वोट दे देते ना हमारे खिलाफ, या वोट का अपील करते लोगों से।
हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के मुताबिक। अगर उनको इस देश के संविधान में भरोसा है तो वो लोगों को कहते कि वोट मत दो, वो तो कह ही रहे हैं। तो जब लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तभी तो जो है अपने अब कानून वो अपने हाथ में ले रहे हैं। ना ना वो तो मैंने दिखा दिया आपको, आप ट्विटर देख लीजिए ना, इंस्टाग्राम चलाते हैं, चलाते देख लीजिए ना खोज के, मनोज तिवारी जी के कैंपेन का फोटो देख लीजिए मिल जाएगा आपको, उनके रैली का फोटो देख लीजिए मिल जाएगा। इसमें क्या है देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब समझदार आप लोग हैं, एक मिनट में खोज के निकाल लीजिएगा। और हम झूठ बोल रहे होते यहाँ बैठ करके तो अभी तक जो है आप सवाल पे सवाल दाग रहे होते। आप सबको ये बात मालूम है कि भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे थे, और भाजपा ने ये गुंडा क्यों भेजा, क्योंकि उनको हार से डर लग रहा है। तो हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि इस बार 25 मई को तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, और अपने बच्चों के, अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के पक्ष में वोट